एक साल के अंदर ही दो अलग अलग एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के दो आतंकी भतीजे भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मौत की घाट उतर चुके हैं। तलहा राशिद पिछले साल पुलवामा में 6 नवंबर 2017 को और उस्मान हैदर 30 अक्टूबर 2018 को त्राल एनकाउंटर में मारे गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों ही एनकाउंटर के बीच लगभग एक साल के फर्क के बावजूद इनमें एक समानता है। एनकाउंटर में पुलिस ने दोनों के पास से खतरनाक M4 कार्बाइन राइफल बरामद की है। मसूद अजहर के दोनों ही भतीजों के पास सबसे बेहतरीन और जानलेवा हथियार थे, जो ये बात साफ जाहिर करती है कि जैश का मुखिया मसूद और उसके परिवार के पास सबसे ताकतवर और महंगे हथियार हैं। जबकि इन दोनों ही भतीजों के साथ मारे गए आतंकियों के पास से पुलिस को AK-47 मिली है। हाल ही में हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा हथियारों की कमी झेलने की बात सामने आई है। हिजबुल मुजाहिदीन घाटी में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुकाबले सबसे बड़ा संगठन है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन हथियारों की कमी की वजह से बहुत ही कमजोर है, और वहीं जैश ए मोहम्मद घाटी में जानलेवा हथियारों के साथ फिलहाल सबसे खतरनाक संगठन है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।